बैक टू अनदर वीडियो। सो आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, हैप्पी होंगे जिस मेरी तरह। तो आज की वीडियो फिर से आ गई हूँ मैं एक हॉरर चैलेंज लेकर। तो जो आज की वीडियो है हमारी, वो ऐसी वैसी नहीं है, कोई घर पे कोई रिचुअल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना ब्लडी मैरी, नो चार्ली चार्ली, नथिंग। आज मैं जाऊँगी बाहर पार्क में, जो हमारे घर के पास में एक पार्क है, वो पार्क हॉन्टेड है। यस, वो पार्क हॉन्टेड है और ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कि वहाँ 12 बजे के बाद उस पार्क में नहीं जाना चाहिए, 12 से 1 के बीच उस पार्क में, ऐसा कहा जाता है। मैं ज़्यादातर सुबह जाती हूँ वहाँ पे वॉक करने के लिए, जब से जिम बंद हुए हैं, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं, बट जो लोग यहाँ पे बहुत पहले से रहते हैं उनको मेरे से ज़्यादा पता है इस बारे। आंटी रहती हैं, वो हर सैटरडे मैं देखती हूँ पार्क में आती हैं और पूजा करती हैं, एंड शी इज़ वेरी ओल्ड। वो उन्होंने अपनी एज बताई मेरे को, शी इज़ 82 एंड शी लुक्स सो फिट। क्योंकि मतलब क्योंकि क्या उसका कोई रीज़न ही नहीं, वो सीरियसली में बहुत फिट लगती हैं और हर सैटरडे पार्क आती हैं, हर सैटरडे को शिव जी कहते हैं दिन होता है, उनकी पूजा भी करती हैं। तो आज मैंने उनसे एक पूछा कि आंटी आप इतने आते हो पार्क में, ये वो, तो उन्हें बताया मेरे को कि हाँ बेटा आती हूँ मैं, ये वो, तो जस्ट फ्रेंडली हो गए हम थोड़ा। तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि वहाँ पे जो वो जगह थी, वहाँ पे कुआँ है, तो वो थोड़ा ना अजीब सा लगता है, सिर्फ पुराने लोग वो चीज़ जान सकते हैं कि आखिर वहाँ का क्या रीज़न है, वो ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बताया मुझको कि इसका एक रीज़न है, मैं तुझे बताती हूँ। तो उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी जो बहुत ही हॉरर है, अपनी ईयरफोन से या फिर अपनी पूरी फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर लो अभी सुनने के लिए। तो स्टोरी ऐसी है कि वो जो कुआँ है, कहते हैं कि वहाँ पे कुआँ था जिसमें पानी था, पर उसमें बहुत कम मात्रा में पानी था, बहुत ही कम क्वांटिटी थी उसकी पानी की, तो वहाँ से कोई पानी वानी नहीं निकालता था, जस्ट वो एक ऐसे मान लो शोपीस के लिए था। और वो जो जगह थी वो पहले बहुत ही अच्छा एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मंदिर, एक पार्क, एंड सेकंड वन इज़ जो हम एक वहाँ पे क्लिनिक है, उस चीज़ में उनको डिवाइड कर दिया गया। तो आंटी जब 16 या 17 की थी, उन्होंने खुद बताया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि इससे ज़्यादा तो बिग बॉस ही रियल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं, हमें पता है कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप रिकॉर्डिंग करते हुए हमारे साथ बैठ सकते हैं, जस्ट सेंड मी योर नंबर विद योर एड्रेस सो आई कैन पिक यू अप, आपको आने की भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे वहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते थे फुटबॉल बैडमिंटन, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको ऐसे डराने के लिए जस्ट बोला जाता था कि वहाँ के जो पुराने लोग जैसे डराने के लिए बोलते थे कि आप मत खेलो, जल्दी घर आ जाओ, 7 बजे से पहले जाओ, वरना चुड़ैल आ जाएगी या भूत आ जाएगा, ऐसे कुछ बोलते थे वो। फटाफट से बच्चे फटाफट चले जाते थे। वहीं पे एक बच्चा रहता था, बिल्कुल पार्क के पास में एक बच्चा रहता था, वो उसको खेलने का बहुत शौक था। आंटी ने बताया कि वो आंटी के पास भी आता था, वो दोनों साथ ही खेलते थे, कि आंटी भी छोटी थी 16 की और वो बच्चा 9 ईयर्स का था, तो उसके पास बॉल थी, वो नई नई बॉल लेकर आया था, उसने आंटी को दिखाई थी कि वो नई बॉल लेकर आया है, तो वो खेल रहा होगा बॉल, शायद उससे बॉल पार्क में वहाँ पे रह जाती है। तो रात को करीब 11 बजे जब वहाँ, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली सब लोग जल्दी सो जाते थे, इतना कुछ चोरी वोरी का भी डर नहीं रहता था, तो वो बच्चे ने कुंडी खोल के वो फटाफट पार्क आया, 11:30 बजे के बीच वो पार्क आया, वो अपनी बॉल ढूंढ रहा था, उसको काफ़ी टाइम लग गया बॉल ढूंढने में, उसको बॉल नहीं मिली। तो उसने देखा कि वो जो कुआँ था वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे, उसकी कुएं के कॉर्नर पे उसकी बॉल रखी हुई थी, वो आगे गया अपनी बॉल ले, जब वो अपनी बॉल ले रहा था तो या तो वो उसमें गिर गया खुद, या तो किसी ने उसको धक्का मारा। जब वो नीचे गिरा, उस पानी का जो लेवल था वो कम था, तो उसके डूबने का खतरा भी ज़्यादा नहीं था, तो उसने अपनी बॉल उठाई और वहाँ पे एक रस्सी लगी हुई थी कुएं के पास में, रस्सी लगी हुई जिससे अगर कोई बाई चांस कुछ गिर जाता है तो फिर ऐसे उठा लिया जाए, बकेट के साथ में वो रस्सी लगी हुई थी। बट जैसी उसने वो रस्सी पकड़ी, वो रस्सी वहाँ से जहाँ पे वो टाइड अप थी वो निकल गई और वो बच्चा गिर गया, और जब वो बच्चा गिरा तो वो डूब गया। अब ये थोड़े लॉजिक की बात है कि इतने कम पानी में वो बच्चा कैसे डूब गया, अब वो स्केरी है ये चीज़ भी, क्रीपी है कि उस चीज जगह में कुछ ऐसा था। नेक्स्ट डे जब उसके मम्मी पापा उसको ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिला, शाम को बच्चे जब खेल रहे थे तब बच्चों ने देखा वहाँ कुएं में कुछ गिर गया था उनका, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बच्चे की लाश है,
लाश है। तो वहाँ पे बुलाया गया सबको, पुलिस वगैरह को, तो पता लगा कि ये वही बच्चा है जो जिन जो गायब हुआ था। उन्होंने उस बच्चे की जो बॉडी थी वो निकाली, उसको निकाला, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब किया। मेरे को बहुत बुरा लगा जब आंटी ने मेरे को ये बात बताई, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एंड बहुत बेचारा बच्चा, वो छोटा सा अपनी बॉली तो लेने गया था। देन कहा जाता है कि उस पार्क में मिट्टी भर दी गई, मिट्टी, पत्थर, पत्ते, सब कुछ भर दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। जब वो कुआं बंद हुआ था, उसके साथ में एक फाउंटेन था, फुआरा था जिसको हिंदी में कहते हैं फुआरा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। 2-3 दिन के बाद बंद हो जाता है वो। वो बंद होने के बाद वहाँ पे एक दीवार बना दी, पीछे की तरफ दीवार बना दी, और जो भी वहाँ पे पत्थर वगैरह लगे होते वो सारे पत्थर कुएं में डाल दिए, फुआरे के ऊपर रख दिए, और एक तरह से वो सब कुछ डैमेज कर दिया इस चीज़ के बाद। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये माना जाता है कि वहाँ पे कुछ है ऐसा, 12 बजे के बाद ऐसा कहते हैं कि कुछ है वहाँ पे, कुछ प्रेजेंस है। बहुत लोगों को जो आसपास वहाँ रहते हैं उनको अजीब सी कभी कभी चीखें भी सुनाई देती हैं, चीखें मतलब रोने की, 1-2 बार, ज़्यादा बार नहीं, यानी रोज़। वहीं जा रही हूँ उसी पार्क को एक्सप्लोर करने की, आखिर वहाँ की क्या सच्चाई है। अभी बज रहे हैं 11, मैं जाऊँगी वहाँ 12 बजे, एंड मैं आपको शो करूँगी कि क्या है आखिर वहाँ पे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, या फिर सिर्फ कहानियाँ हैं। पार्क में पहुंच चुकी हूँ। मेरे को ऐसा था बिलीव कि पार्क में हो सकता है लाइटें वगैरह बंद होगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं उसको, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 12:30 के बाद ही होता है, लेट्स सी। पहले वहाँ की वो जगह दिखाती हूँ कि वो जो कुआँ, वो जहाँ पे वो दीवार बन गई है, वो आखिर कहाँ पे है, किस जगह पे है। डर लग रहा है क्योंकि ना इस दीवार के एक आगे और मंदिर भी है वैसे तो, पर उस साइड बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। माय गॉड, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज ऑफ यू गाइस। अब इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को। ये रहा हो, ये पूरा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये जो ये वाली जगह, इस जगह पे पहले फाउंटेन था, पर यहाँ पे दीवार बना दी गई है, और जो कुआं है, कुआं ये रहा, ये है वो कुआं, आपको दिखाती हूँ। ये कुआं है जहाँ पे ऐसे मिट्टी वगैरह सब कुछ डाल दिया गया था, मिट्टी वगैरह डाल दी थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पौधे आ गए उसके ऊपर, खाती हूँ मैं। ये देखिए, देखिए ये सारे पत्थर वगैरह, पत्ते वगैरह डाले हुए हैं। मैं डर गई, सॉरी। तो और जगह ना ये लगती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा है और ये बेंच है, पूरा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को यहाँ पे, जब सुबह आती हूँ तब भी और वैसे भी। तो मैंने कोई जगह दिखाई पूरी पूरी बिखरी हुई है यहाँ पे, मैंने देखा है कि कभी भी सफाई नहीं होती। और ये यही जो पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, आंटी ने मेरे को बताया था ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और ये बताया मेरे को कि सारे पत्थर वगैरह, इतने पुराने पत्थर हैं ये सारे के सारे, ये पत्थर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है पूरी, ठीक है, और ये पत्थर वगैरह ये सब आंटी ने बताया था कि जो ये है ना, पहले बहुत अच्छी दिखती थी, अच्छे से रखा गया था, पर फिर बाद में तोड़ दिया गया था इसको। वो जगह दिखाती हूँ जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है वो जगह, वहाँ चलते हैं। सामने जो है पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और ये अलग ही है। कौन बर्तन फेंक रहे थी ना, आगे देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, आवाज आ रही है बड़ा ना, आवाज़ आई थी ना, कैसी थी? अभी हम चल रहे थे दोनों, तो पीछे से ना झाड़ियों में ऐसा लगा कि कुछ है, बट ऐसा है नहीं है यहाँ पे कोई कुत्ता वुत्ता इतनी रात को नहीं है, कुत्ते भी भौंकने लग गए। अब जैसे मतलब हम चल रहे हैं दोनों, मम्मा और मैं साथ में, पापा नहीं आए मेरे साथ में, तो और ज़्यादा डर लग रहा है। तो हम जब चल रहे हैं आगे आगे जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ना साथ में पीछे भी कोई हमारे चल रहा हो, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि पीछे कोई चल रहा हो हमारे साथ साथ, कोई है नहीं पीछे। बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये भी डर लग रहा है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। बार बार झाड़ियों में से ना चलने की आवाज़ है, बहुत बुरी तरह से आवाज़ आ रही है पीछे से, कोई चल रहा हो जैसे, बट है नहीं।
बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आई है। मैं फटाफट मैं चेक करने जा रही हूँ कि आखिर कहाँ से आई है आवाज़। मेरे को लग रहा है डर कि सच्ची में बहुत तेज़ ऐसा लगा कुछ गिरा। मैं फटाफट देखती हूँ। ये बेंच है, मैं लिटरली कसम से अभी अभी यहाँ से गुजरी थी और ये बेंच सीधा पड़ा हुआ था वहाँ पे, और अभी आवाज़ आई मेरे को जब मैं पीछे चली गई थी तो ये गिरी हुई मिली है मेरे को। गाइज आई थिंक मेरे को यहाँ से जाना चाहिए फटाफट से, क्योंकि बहुत मिस हैपनिंग सा हो रहा है। अभी बेंच भी गिरी हुई मिली और ऐसा बार बार लग रहा है कि कोई पीछे चल रहा हो हमारे मम्मी और मेरे, तो अब यहाँ से भागते हैं। गूज बम्स आ गए, पहुँच गई हूँ अपनी, ऐसा लग रहा है सुकून सा मिल गया अपनी गली में पहुँच के। मेरे को बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, तो अब घर जाते हैं, फिर घर पे आपको बताती हूँ एक और चीज़। ओके सो बैक होम, बहुत राहत मिलती है अपने घर आके, एक सुकून सा मिलता है कि भाई अपने अपना घर अपना घर होता है और यहाँ मैं आ गई हूँ, मेरे को कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे को लिटरली लग रहा था कि वहाँ पीछे कोई चल रहा है मेरे, या फिर पत्तों की आवाज़ें आ रही थी ज़्यादातर। हवा नहीं चल रही थी, इतनी नहीं चल रही थी, चल रही थी बट इतनी नहीं चल रही थी कि पत्तों की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर की आए। तो कहूँगी उनकी स्टोरीज़ पूरी तरह सच्ची थी जिनने भी लोगों ने मेरे को बताया उस बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत सेंस हो जाता है इंसान को, नेगेटिविटी फील हो जाती है इंसान को कि जब उसके आसपास होती है, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा और कोई बात थोड़ा नेगेटिव आया मेरे को सेंस हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था जाके। वैसे जब सुबह जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, बट अब जाके मन करता है ऐसा सुबह भी ना जाऊँ वहाँ पे, शायद मैं नहीं जाऊँगी अब दोबारा उस पार्क में, तो क्योंकि अब अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 बज गए हैं, बहुत नींद आ रही है, अब सोने का टाइम हो गया। अब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो यार सब्सक्राइब और लाइक कर ही दो, लाइक का बटन दबा दो फ्री है, और सब्सक्राइब का बटन तो वैसे भी फ्री है, शेयर का बटन तो पूरा फ्री है, शेयर करो, आगे भेजो वीडियो को, सपोर्ट करो ताकि आगे भी वीडियो ऐसे ही आती रहे। ओके गाइस, सेफ रहिए अपने घरों में, ऐसे जो मैं हरकतें करती हूँ 2 बजे 3 बजे बाहर जाने की आप ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। बाय।